गाइस, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी सीक्रेट्स रिवील। आज मैं आपको एक 100% नेचुरल स्किन ब्लीच बनाने का मेथड बताऊंगी। स्किन ब्लीच हम सबकी ज़रूरत बन गई है और आजकल मार्केट में बहुत सारे केमिकल ब्लीच अवेलेबल हैं। केमिकल ब्लीच स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, इसलिए मैंने एक केमिकल ब्लीच का अल्टरनेट बनाया है जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। पर उसके पहले आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे किसी भी हेल्पफुल वीडियो को आप मिस ना कर सकें, और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस की आपको अपडेट मिल सके। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा ऑरेंज पील पाउडर। ऑरेंज पील पाउडर आप चाहें तो मार्केट से इस तरह का परचेज कर सकते हैं, या फिर आप ऑरेंज के पील को सुखाकर सिंपली ग्राइंड करके ऑरेंज पील पाउडर बना सकते हैं। ऑरेंज पील में नेचुरल स्किन ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये स्किन को फेयर बनाने के लिए बहुत ही असरदार है। ट्रेडिशनली लोग इसे यूज़ करते चले आ रहे हैं स्किन को गोरा बनाने के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग लेंगे 2 चम्मच ऑरेंज पील पाउडर। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 नींबू का रस। लेमन में स्किन वाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है और ये नेचुरल ब्लीच की तरह काम करता है। लगातार लेमन के यूज़ से हमारी स्किन अपने आप ही ब्लीच हो जाती है। और लास्ट में हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे, कच्चा दूध, और इसका पेस्ट फॉर्म कर लेंगे। मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है और ये स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। ये स्किन को नेचुरली ब्लीच करने के साथ साथ स्किन को फेयर और फ्लॉलेस बनाता है। अब इसे आप अपने क्लीन फेस पे अप्लाई कर लें और इसे 20 से 25 मिनट के लिए लगा रहने दें, और उसके बाद आप अपने फेस को वॉश कर लें। इसके पहली बार के इस्तेमाल से आपको अपनी स्किन बेहद फेयर, फ्रेश और फ्लॉलेस लगेगी। इस ब्लीच को आपको वीक में 3 बार यूज़ करना है और आप देखेंगे कि इसके 6-7 बार के यूज़ से ही आपकी स्किन कम्प्लीटली ब्लीच हो जाएगी, और ये बिल्कुल सेफ़ है, तो आप इसको लगातार यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ट्राई दिस और अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे किसी भी हेल्पफुल वीडियो को आप मिस ना कर सकें। फिर लौटूंगी एक अमेजिंग वीडियो के साथ। टिल देन, बाय, टेक केयर।